check out these. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज सुबह सुबह निकल चुका हूँ मैं करजत के लिए, जैसे कि चौथा दिन है ड्रोन का, ड्रोन सर्टिफिकेशन का। तो मैं चौथे दिन के लिए जा रहा हूँ भाई। पहले डीजल भरा था क्योंकि डीजल काफ़ी ज़्यादा लो है, कई दिनों से गाड़ी चली नहीं है। तो आज तो जाना था भाई गाड़ी से, क्योंकि बारिश की आशंका है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि होने वाला है। ठीक है, क्या करेंगे, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन गाड़ी से जाएंगे आज। क्योंकि और क्या क्या माहौल है मैं बताता हूँ आगे रास्ते में। पहले डीजल भरा के फिर आप लोगों को मिलता हूँ। तो गाइस, डीजल तो भरा लिया है, अब हवा की बारी है। इस समय प्री चेक भाई रात को करता हूँ, लेकिन अभी करना पड़ रहा है। ठीक है, जल्दी उठाऊँ तो उसका फ़ायदा भी उठा रहा हूँ, आराम आराम से पहुँच जाएंगे, क्योंकि सैटरडे तो कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। और आज का जो डेस्टिनेशन होने वाला है लगभग 64 किलोमीटर है, तो अटल सेतु पकड़ना पड़ेगा अपने को। अटल सेतु पकड़ के फिर यहाँ से हम जाएंगे करजत की तरफ। करजत फाटा की तरफ है, मतलब बालवन करके कुछ है, शायद वहीं पर है। पर आज खाली है, मैं सोच रहा था कि वहाँ से लेता ले, कहाँ से, मतलब नवी मुंबई से, पुरानी वाली रोड। लेकिन टाइम बहुत कम है, टाइम बच चुका है भाई 7:30, और 1 घंटे में पहुँचना है। अब इसमें ही एस्टिमेट अराइवल बता रहा है कि 1.5 घंटा लगेगा, तो इसी से जाना बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, अपने को जल्दी पहुँचना भी है। तो ये गाइस, हम पहुँच चुके हैं ईस्टर्न फ्रीवे पे, और ईस्टर्न फ्रीवे जो कनेक्ट करता है अटल सेतु को, यहाँ से हम अटल सेतु को ज्वाइन कर लेंगे। अभी लगभग कुछ 5-6 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग अटल सेतु में चढ़ सकते हैं। अभी का नज़ारा देख रहे हो, क्लाउडी है, और जल्दी से मैंने बोलते सैटरडे है शायद, अब सैटरडे नहीं, आज फ्राइडे है, क्योंकि टाइम मालूम नहीं पड़ रहा है ड्रोन के चक्कर में ही। और ड्रोन भी मैंने ले लिया है, देखेंगे टाइम मिलेगा तो ड्रोन भी उड़ा के देख लेंगे, अगर सीनिक रहा तो, क्योंकि अभी तो बारिश हो चुकी है तो हरा भरा रहेगा सब जगह, तो उड़ा के देख सकते हैं। तब तक के लिए एंजॉय करो द व्यू। अभी गाइस, हम पहुंच चुके हैं अटल सेतु पे, पता नहीं कौन सा एंगल, ठीक है, अटल सेतु पे पहुंच चुके हैं। देखो नजारा कुछ ऐसा है, थोड़ी बहुत हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, और पैसा पूरा पैसा वसूल होगा अगर पूरी बारिश होगी तो। अभी क्या खूबसूरत नज़ारा हो रहा है यहाँ, देखो हम बीचों बीच पानी में चल रहे हैं गाइस। यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो, सब जगह एकदम मस्त मौसम हो चुका है। पीछे हल्की धूप निकली थी, लेकिन अभी हम जैसे जैसे पहुँच रहे हैं डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब कि आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे हल्की हल्की, देखो अभी इसमें पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, हल्की हल्की बूंद पड़ी है, स्प्लैश भी है, जो गाड़ी आगे से जा रही है तो उसे स्प्लैश भी आ रहा है, बट थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही है। ऐसी आशंका है कि बारिश गिर सकती है। भाई जो मजा आता है ना ये रोड पे चलाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पूछो मत यार, अब कोई है नहीं ज्यादा, मतलब एक दो गाड़ी दिख रही है यहाँ पर, और मैं हूँ खाली अकेले अकेले, समझ रहे हो, सोलो ट्रिप हो रहा है अपना, ऐसा लग रहा है कि सोलो रोड पे भी हो रहा है, मतलब रोड अकेले मैं ही चल रहा हूँ। देखो दूर दूर तक कोई दिख रहा नहीं है, अब पीछे भी दिख रहा है कि नहीं पता नहीं आपको, एक गाड़ी है बहुत पीछे है, और अभी देख रहे हो नजारा। सो गाइस, 50-50% चांसेस था, वो आखिरकार पूरा एकदम पूरा पैसे वसूल हो गए। अब देख रहे हो बारिश चालू हो चुकी है, एकदम लाजवाब बारिश हो रही है, अब ऐसे कंटिन्यूस होगी तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, लेकिन अभी तक ठीक है, देख रहे हो मस्त नज़ारा हो चुका है। खाली गाड़ी में यही तकलीफ है भाई, टोल, सब जगह टोल लगने लगता है और टोल भरना पड़ता है, नहीं तो भाई बाइक से फटाफट निकल जाते हैं, एक ना एक नुकसान होता ही है भाई सबका, क्या कर सकते। क्या जबरदस्त बारिश हो रही है गाइस, एकदम झन्ना के दार पैसे वसूल हुए, अब पैसे वसूल हुए हैं, देख रहे हो नेक्स्ट लेवल बारिश, एकदम मजा। ठीक है, एकदम जगह हरा भरा हो गया, यही जगह पे हम लोग बाइक चलाने आते थे। अब बहुत बार यहाँ पर आया हूँ तो भाई एकदम गर्मी होती थी, अब देखो यहाँ पे मौसम भाई सुहाना हो चुका है। अब इसी पे भुट्टा और मैगी, मैगी तो ज़्यादा खाता नहीं मैं यहाँ पे, मतलब कि रोड वेट पे, लेकिन स्वाद ही आ जाएगा भाई भुट्टे, समझ रहे हो आप, नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग है। तो गाइस, आखिरकार पहुँच ही गए, काफ़ी मस्त नज़ारा है यार। यहीं पे एक अबैंडन शिप है, आपने व्लॉग में देखा होगा, आगे कहीं पर है वहाँ पर। ठीक है, और अभी कुछ ऐसा मौसम, अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, ऐसा कुछ मौसम है भाई, देख रहे हो काफ़ी सुहाना मौसम है। यहाँ पे आके भाई एकदम सुकून मिल रहा है, क्योंकि
जो गर्मी थी ना नेक्स्ट लेवल वाली। मतलब मुंबई में बारिश हो रही है ऐसा नहीं हो रही है, बट अब जो फीलिंग है ना भाई, अब बारिश का सीज़न आ गया है, अब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं घूम सकते हैं। देखो कितना हरा भरा हो गया यार, सब चीज़ एकदम हरा भरा हो गया, ये से लेके वहाँ तक दूर दूर तक देख सकते हो। अभी जूम करके दिखाता हूँ आपको, रुको ए जूम, और मैं दूसरे किसी और से ब्लॉग कर रहा हूँ, मोबाइल से ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ। ये देखो कितना हरा भरा हो गया गाइस, नेक्स्ट लेवल है कि नहीं पता ना ज़रूर। ये देख रहे हो, अभी गाइस पहुंच ही गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना हरा भरा जगह है भाई, यहाँ पे अपना सेशन चालू है। देखो वहाँ पे जोन उड़ रहा है अपना, यहाँ पे सेशन चालू है, धीरे धीरे एक एक करके सबकी बारी आ रही है, और वहीं पे ड्रोन है, देख रहे हो। लगभग 17 एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज करना पड़ता है, सिखाते हैं कैसे उड़ाना है आपको, बेसिक्स उड़ाना, अप कैसे लेना है, यॉ क्या होता है, पिच फॉरवर्ड पिच बैकवर्ड, मतलब टेक्निकल टर्म्स है, मैं आगे पीछे बताता हूँ, आप आगे कैसे लेना पीछे कैसे लेना है, मूवमेंट कैसे करना है, वो सब बताते हैं। यहाँ का नज़ारा एकदम खूबसूरत लग रहा है भाई। देखो ये फार्म पे, मतलब कि ये यार्ड में हो रहा है, वहाँ पे ड्रोन अपना देखो यहाँ से उड़ा रहे हैं, और ठीक है इस बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है। ये ड्रोन की बैटरी देखो गाइस कितनी बड़ी है भाई, कम से कम 1 किलो की बैटरी है, और यहाँ पे फ्लाइंग अभी तक चालू है। कितना बज गया, 5:28 5:30 बज गया, और अभी भाई ड्रोन का प्रैक्टिस चालू है। देखो ड्रोन वहाँ पे उड़ रहा है, बस यहाँ पे कंट्रोल है गाइस। देखते देखते अपडेट की बात करें तो 7:09 हो रहा है, और अभी भी थोड़ी सी बारिश की आशंका है, अभी तक ठीक है भाई। और यहाँ पे देख रहे हो नज़ारा, और अभी लास्ट एक्सरसाइज बचा है, जो एक्सरसाइज का नंबर है 15, 16, 17, मतलब 17 एक्सरसाइज होता है जैसे मैंने आपको बताया, वो कल होगा 16, 17, और आज है अभी नाइट फ्लाइंग, अब हम नाइट फ्लाइंग करेंगे कुछ ही समय बाद। A few hours later. तो गाइस ये देखो कुछ ऐसा होटल है, मतलब होटल नहीं ये फार्म हाउस है, ठीक है। तो बहुत रात हो गई, आपको सुबह दिखाता हूँ मैं, ये देख लो। तो ये वीडियो को भी समाप्त करते हैं, अच्छा सा छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, अपना साइनिंग ऑफ ट्रैवल करें भाई, छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग है, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही बहुत कड़क से, और खाना खाएंगे और सोएंगे।